देखिए दोस्त, कार्बोहाइड्रेट बहुत साल पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्त। देखिए दोस्त, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बो का मीन्स कार्बन हो गया आपका, हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन, को हमने क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हो गया दोस्त आपका CnH2nOn, जहां पर n हो गया कार्बन एटम का संख्या। CnH2nOn को हम लोग लिख सकते हैं CnH2O का होल n। यहाँ पर देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6, इसी को हम लोग छोटा फॉर्मूला लिख सकते हैं C6H2O का होल 6 भी लिख सकते हैं। राइबोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो C5H10O5, इसी को लिख सकते C5H2O का होल 5। देखिए दोस्त, यहाँ है कुछ खास मॉलिक्यूल जो नहीं है कार्बोहाइड्रेट के जैसा, लेकिन उसको लिख सकते हैं हम लोग हाइड्रेट ऑफ कार्बन की तरह, मतलब उसको लिखा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट की तरह। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आया आपका दोस्त एसिटिक एसिड, तो दो कार्बन के कार्बोजिक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H4O2, इसी को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले सकते हैं C2H2O का होल 2। नेक्स्ट है दोस्त लैक्टिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C3H6O3, इसी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ले सकते हैं C3H2O का होल 3। नेक्स्ट हमारा फॉर्मल्डिहाइड दोस्त, एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका CH2O, इसी को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले सकते हैं CH2O। यहां है कुछ यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन नहीं लिखा जा सकता है उसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन की तरह। जैसे दोस्त सुक्रोज को हम बोलते हैं तो सुगर, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या C12H22O11। दूसरा हमारा दोस्त रेमनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या C6H12O5। नेक्स्ट आपका दोस्त डीऑक्सी राइबोज, जिसका फॉर्मूला हो गया आपका C5H10O4। अब यहां पर देखिए दोस्त, कार्बोहाइड्रेट का अभी का जब आने वाला डेफिनेशन, तो बोलता है ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ जो धारण करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्त, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास एक से अधिक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, उसी को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोन का मतलब ये डायवेलेंट कीटो ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन। तो ऐसा कीटोन जिसके पास एक से अधिक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, उसी को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी दोस्त एग्जाम्पल पे आप आते हैं, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं दोस्त ग्लिसरल डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एक है लेकिन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है, तो इसी को बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड, और ये हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, दो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड नंबर पर कीटोन लगा हुआ, यहाँ पर इस कंपाउंड में एक से अधिक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पर देखिए दोस्त, फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड लगा हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कार्बन पर मेरा क्या लगा हुआ है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इसी कंपाउंड को बोलते हैं दोस्त हम लोग ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो वह पदार्थ जो उत्पन्न करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को वाटर के साथ रिएक्शन करने पर, तो वह कहलाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जब हम दोस्त सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। सुक्रोज है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं दोस्त, तो ग्लूकोज बनता है, और स्टार्च भी दोस्त हमारा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दोस्त मान को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्त, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। बेस्ट ऑफ लक दोस्त एग्जाम के लिए।